नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। हमेशा दिव्यांगता के बारे में अपडेट देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपके क्वेश्चनिंग आ रहे हैं, उनके जवाब हम रेगुलर दे रहे हैं कि आपका डेली का डेली आपका क्वेश्चन फिर कंप्लीट होता रहे। तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का पहला है, वो है संजय जी का, जो कह रहे हैं कि मेरा मल्टीपल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना है, 60% है उनका, LD में 50% और 1 IS का 30% है, यानी कि मल्टीपल डिसेबल हो गया। तो सर, आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी का है तो आपको उसी का बेनिफिट मिलेगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई जॉब भी निकलती है तो आप मल्टीपल डिसेबिलिटी में ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर पंकज जी का, जो कह रहे हैं कि उनको असेसमेंट के लिए बुलाया गया था, वो असेसमेंट पर नहीं जा पाए हैं, और इसके लिए उन्हें अब क्या करना होगा, फिर से अप्लाई करना होगा? नहीं सर, आपको अप्लाई नहीं करना होगा, आपको जब असेसमेंट के लिए बुलाया उसी डे के अगले दिन आगे जाके आप, यानी कि उसी वीक के उसी दिन आप जाइए दोबारा मेडिकल अथॉरिटी के पास और अपनी असेसमेंट करवा लीजिए, आपको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबार जी का, जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में PWD को वोटिंग के लिए काफ़ी हेल्प किया जा रहा है। हाँ जी सर, ये बिल्कुल सही है। इलेक्शन कमीशन के ज़रिए आपको एक समर्थ ऐप डाउनलोड करने को कहा गया है, जिसमें आप पिक एंड ड्रॉप की सर्विस ले सकते हैं, और आपका जो वोट है वो आप अपने हिसाब से अपने घर से भी दे सकते हैं और वहाँ के पोलिंग बूथ में जाके भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको नियर BLOs भी आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको वोटिंग पोलिंग बूथ तक लेके जा सकते हैं और गाड़ी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप समर्थ ऐप का हेल्प लीजिए और उसके ज़रिए अपना पोलिंग बूथ चुनिए और अपने घर के नज़दीक वोटिंग जरूर करके आइए, और गवर्नमेंट इसमें आपकी बहुत सहायता कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम जी का, वो कह रहे हैं कि उनका UDID कार्ड 70% बना है और पेंशन नहीं बन पाया, BDO ऑफिस की तरफ से मना किया गया है, क्योंकि उनके फादर गवर्नमेंट सैलरीज ले रहे हैं, इस वजह से एक दिव्यांग की पेंशन नहीं लग पा रही है। तो देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो बच्चे का पेंशन नहीं लगेगा, और दिव्यांग की पेंशन और फादर की सैलरी का कोई लिंक नहीं होता। अगर आपको किसी BDO ऑफिसर ने मना किया तो आप उनसे लिखित में ले लीजिए कि आप मुझे लिखित में दीजिए कि RPW एक्ट के अकॉर्डिंग मुझे पेंशन नहीं मिल सकता। तो इससे रिलेटेड आपको खुद ही लड़ना होगा, और ये जो भी आपको मना कर रहा है, जो इंसान या जो ऑफिसर है या डिपार्टमेंट है, आप उस डिपार्टमेंट से लिख के ले लीजिए। आपका 70% है, आपको पेंशन लगेगा, इसमें आपके फादर का कोई रोल नहीं है। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सावन कुमार जी का, बिहार से है, और ये कह रहे हैं कि उनकी जो डिसेबिलिटी है वो लिप्रोसी है, और लिप्रोसी कोड है जो परमानेंट डिसेबिलिटी है, लेकिन असेसमेंट के दौरान अगर वो डिसेबिलिटी आपकी ठीक हो सकती है या उसमें कुछ चांसेस हैं ठीक होने के, तो आप उसका असेसमेंट में आपका मेडिकल चल रहा होगा और उस मेडिकल पीरियड के दौरान आपको टेम्परेरी डिसेबिलिटी दी गई है, लेकिन इस दौरान आपका जो पेंशन चल रहा है वो पेंशन आपका स्टॉप नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट उस पेंशन को रोक नहीं सकती है, क्योंकि टेम्परेली 70% यानी कि 40% से अबव होने की वजह से आपको पेंशन मिलता रहेगा। तो पेंशन से रिलेटेड आपको टेंशन नहीं करनी चाहिए, और जो आपको योजना मिल रही है सत्वंतिक ट्रस्ट की तरफ से कल्याण योजना, वो मिलती रहेगी, आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें टेम्परेली डिसेबिलिटी होना कोई वो नहीं है कि उसमें आपको रोक दी जाएगी। तो इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अमन, धन्यवाद।